मूड नहीं होता खाने का, फिर भी बनाना पड़ता है, मैले मान्छेलाई भन्दैछु नि त कि होइन कि म कति काम गर्छु तपाईँ सपोर्ट गर्नु पर्दैन, लेकिन शादी के बाद आपको दूसरे के लिए बनाना पड़ता है जो कि बहुत ही उभिनु न एकछिन है क्या ढूंढता है, क्या ढूंढ रहे हो आजकल ना, आजकल ना हमारे मम्मी एप्पल छुपाती है क्योंकि 320 रुपए किलो हो गया और रात को यहाँ पे एप्पल रखा था, एप्पल कहाँ गया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, एप्पल कहाँ गया, एप्पल खोज करे हो, एप्पल एप्पल कहाँ गया। अरे वो एप्पल तो रात को देखा था मैंने, ये वाले बेड में वो शाइन कर रहा था, एप्पल कहाँ चला गया। सुनो, एप्पल इसी रूम में, अगर ढूंढ सको तो लेके चले जाओ, नहीं तो मैं खा लूंगी। इसी रूम में अगर ढूंढ पाओ तो ले जाओ, नहीं तो आ जाए, नहीं तो पिंकी तमांग खा लेगी। लाउँछ नि त मान्छेले, तपाईँ लाउनु त, एउटा खुट्टा हाल्नु त, एउटा खुट्टा हाल्नु न, एउटा खुट्टा हाल्नु न, हाल्नु न, उभिनु न, उभिनु न, एकछिन है, अर्को पनि लगाउनु न, अर्को पनि सजिलो पो हुन्छ त हौ। अरे बस देख्नेमा ऐसा यार, इजी होता है लगाने के। ल अब हिँड्नु त सजिलो हुन्छ, हल्का हुन्छ। अरे हिँड्नु न, अरे एकपल्ट हिँड्नु न, होइन सुटको लागि आएको, हिँड्नु नि एकछिन, अरे हिँड्नु त, अरे यहाँसम्म त आउनु यार, यहाँसम्म पहिलो जवानीमा त हिल्स लगाएको होला, कति राम्रो देख्दो रहेछ हौ खुट्टा आमाको। अरे प्यार त बहुत अच्छा लग रहा है मुना तमाङ्क, जान अब यहाँबाट हिँडेर जानु। अरे ये प्यान के एप्पल ढुँडो, अरे इसी रूम में ढूंढ सको तो लेके चले जा। ओके, यही रूम में छ, खोज मैं भन्छु त तपाईलाई, हिँड दिइहाले त मैले, इसी रूम में ढूंढ के ले जाओ। होइन यसै रुममा छ, मतलब यस्तो डिफिकल्ट जग्गामा छैन, खोज्नु सकिन्छ आमा, यस्तो डिफिकल्टमा छैन। अरे हल्का छ त, लगाइहाल्छ नि, लु खोज्नु न भनेको, यसै रुममा छ, यसै रुममा छ हो। अन्त एप्पल पनि त पटिलो रहेछ नि त, यहाँ रहेछ नि त, चलो ढुनु यसै रुम में बेटा। एप्पल पनि त लुकम लुकम लाग्दो रहेछ नि त, रोटी
सजिलो जग्गामा छ हौ, तपाईँले अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो जग्गामा खोज्दैछ। अरे यार बेड के नीचे जा रहे हो फिर ढूंढने के लिए, मतलब सुयो वाला सेक्शन में था, यो वाला सेक्शन में था, यो वाला था, यो वाला सेक्शन में। अरे यार क्या बात है, ये तो सब अच्छा होता जान सको तो ला, अरे क्या बात हो, अरे यार देखो, अरे यार ये तो पटे छा, हेलो यू सेक्शन में छा वंचु अरे यार तपाईँको कसम बिहान बिहान झुट बोल्छु क्या, यतापट्टि छ भन्छु, झन् जल्दी आऊ यही सेक्सनमै छिटो, यो सेक्सनमा छ भन्छु, छ यो सेक्सनमै छ, त्यही सेक्सनमै छ, ढाड्छु अरे यार एप्पल भी बहुत बहुत टाइट एप्पल बहुत ही टाइट एप्पल एक सौ रुपियाँ किलोमा चाहिँ खानु पर्छ तिमीहरूले, यो 320 नमस्ते गर पो दिएको त, नभए 350 अम्म यसलाई पनि बेसी महँगो भयो है, त्यही भएर के अरे, त्यही भएर तिमीलाई म बाँड्नु सक्दिनँ, बस यही है प्यार, कति गरे बस यही प्यार है, बेटी से इतना ही प्यार है, आज आज इस एक एप्पल की कीमत इतना ज्यादा हो गया, अपने बेटी से ज्यादा ये एप्पल हो गया आज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट एप्पल भी बहुत पर्टिकुलर एप्पल है, गरम पानी जो जो मेरी माँ ने बनाया हुआ है, होइन त्यसै पनि All right guys, so अभी आई एम हैविंग माई हॉट वाटर और साइड में मेरी माँ बैठी हुई है, मेरी माँ तारीफ कर रही है अपनी जॉय का। अच्छा बताओ कैसा लगा आपको। अच्छा गाइज आई वॉन्ट टू गिव यू सम अपडेट,
शादी के बाद लाइफ कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। शादी के बाद लाइफ दूसरों का पता नहीं, बट आम इधर आओ ना, यहाँ बस दो ना। अरे देखे तो छाइना, अरे लाइट राम छाइना, अरे लाइट राम छाइना, अनुहार राम आउँदैन। यता आउनु न, तपाईको को अब 70 इयर्स पुगिसकेको छ, तपाई 70 साल पहुँच गए आप, इसलिए मेरे को स्किन का ओके गाइस, सो आई वांट टू से लाइफ आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद लाइफ कैसी होती है दूसरों का पता नहीं, बट मेरा तो बहुत ही बहुत मजा आए भन्न नहीं, मेरा तो ना क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत मुश्किल चल रहा है। रोज सुबह उठ के मेरे को चाय बनाना पड़ता है, चाय कॉफी दो, ये दो, ब्रेकफास्ट दो, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, मतलब यही रह गया जिंदगी में। आपकी शादी के बाद यही करना है बस। अरे यार कभी कभी मूड नहीं होता खाने का, फिर भी बनाना पड़ता है। अरे यार मैले मान्छेलाई भन्दैछु नि त कि मैले कति होइन कि म कति काम गर्छु, तपाईँ सपोर्ट गर्नु पर्दैन, काम चोर्नी एक नम्बरको सपोर्ट गर्नु पर्छ तपाईँहरूले। शादी से पहले माँ के घर में तो एवरीथिंग इज कुक्ड बाय मॉम है ना, वो सब बनाती है खाना वाना, लेकिन शादी के बाद आपको दूसरे के लिए बनाना पड़ता है, जो कि बहुत ही और घर से दूर जाने का दुख तो बहुत बहुत हुआ मुझे। अरूलाई त घर चाहिँ जानेको दुःखमा त पुरा पिर पर्छ नि, किनभने उहाँ उसको त अब उहाँ गएपछि नयाँ अलिकति एक्टिङ त गर्नु अरे यार खुसी राख्नु पर्यो, घर दुरा सब गर्नु पर्यो, अब उनीहरूलाई त दुःख हुन्छ नि, अब तँलाई चाहिँ मजा छ भन् न। अरे यार आमा पनि यहाँ बस ढाँटेको हो, एक्टिङ गर्नु न त, हाँ त भन्नु सक्छ नि तपाईँ। सिर्फ हामा हामी लाउनु पर्छ भन्दैछु नि, होइन किन तो हाँ तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि शादी के बाद मतलब यू नो दिस लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें होती है आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप ऐसे बाहर फट से जा नहीं सकते, आप कुछ यू नो खुद से खरीद के खा नहीं सकते, सब कुछ बनाना पड़ता है, मतलब दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब मैं तो पहले भी रखती थी, मतलब घर में आके घर में भी आई यूज टू कुक एंड ऑल, बट अभी तो मेरे को और ज्यादा बनाना पड़ता है, मतलब लंच डिनर के उल्टा बोले भगवान। तो ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके, मतलब गॉड इज देयर, भगवान देख रहा है तो वो अच्छा ही करेगा मेरे लिए। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड है ना, तो बट अभी के लिए तो बस वही है, मतलब यू नो ये यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, बहुत बेचारा बहुत दिक्कत हो, बुढी बिहान देखिको कहाँ सिलगढी, बेचारालाई थाहै छैन कति बेला मैले पो गएर पहले मैं जोक कर रही थी, बट अभी बोल रही हूँ माई लाइफ इज टोटली सॉर्टेड, मतलब मेरा जो भी है मेरा काफी ज्यादा सिंपल है, मतलब मेरे को इतना ज्यादा मतलब क्योंकि फैमिली अर्थर फैमिली दे डोंट स्टे विथ मी, वो अपने मतलब खुद के घर पे रहते हैं, मतलब विच इज इन रशिया, और रशिया और इंडिया इट्स लाइक टू डिफरेंट प्लेसेस है ना, उनका वो चाह के भी मेरे घर पे लंच डिनर के लिए नहीं आ सकते किसी दिन या वीकेंड में या वीकडे। सो उस हिसाब से माई लाइफ इज मोर सिंपल, आई मीन ऑन द सेम हैंड आई नो कि शादी के बाद काफी सारे लोगों की यू नो लाइफ चेंज हो जाती है ना, भन्नु त आमा चेंज हुन्छ, किन डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु पर्छ, अफकोर्स डिसिप्लिन सबके अंदर होता है, बट शादी के बाद और ज्यादा डिसिप्लिन मेन्टेन करना पड़ता है ना, किनभने दूसरों का घर होता है यू नो मॉम डैड, मतलब अगर आपका मतलब इफ यू हैव मोर बिग फैमिली तो और ज्यादा उयो हुन्छ हैन भन्दा बिग फैमिली छ भने त अझै धेरै यू हैव टू टेक केयर अफ एवरीथिंग, वहाँ का टाइम टेबल यू नो दूसरों का किसको क्या पसंद है किसको क्या नहीं पसंद है, बट उस हिसाब से मेरा थोड़ा सा मेरा थोड़ा नहीं काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
मतलब इट्स जस्ट मी एंड अर्थर हु स्टेज, तो इस हिसाब से मेरा ठीक है. बट आई अंडरस्टैंड द पेन, बट लेकिन मुझे पता है कि यू नो इफ यू गेट मैरिड इन अ ह्यूज फैमिली, बिग फैमिली, तो प्रॉब्लम तो होती है. बट मेरा वाला ठीक है, तो इसलिए इवन माई मॉम इज ऑल्सो ओके, है ना अनुदा. एटलीस्ट अगर मेरा ठूलो फैमिली बकमा ब्याह बकवा क्यों हो गया. हाँ मैं तो अगले दिन आ जाती बैग लेके. यति बेला त नास्ता सास्ता बनाएर सासु कता ससुर कता सबलाई भेला पारिओरी दिइओरी. अँ जति घरको मतलब जति ठुलो फ्यामिली छ सबैको अब ध्यान त राख्नुपर्छ नि त, होइन भन्नु त. अब बादमा गएर बुढाबुढीले अब अलग्गै बस्छु भनेर डिसाइड गर्यो भने त्यो अलग कुरा हो, लेकिन जब तक भएको छैन तब तक त फ्यामिली फ्यामिलीले त मेन्टेन गरेर त बस्नु पऱ्यो नि त घरको वारी भएपछि. तर उस हिसाबले चाहिँ मेरो ठिक छ, किनभने मेरो एउटा आई हेभ मेरो स्मल फ्यामिली भनौँ न, यतै हो नि. घरमा आउँदा मात्रै मलाई तकलिफ, यही आउँदा तकलिफ, यो गरो त्यो गरो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, नभए त ठिक छ. अन्त लेटर ओन गाइज वी आर गोइङ टु ह्याभ लोकल कुखुराको झोल. आई डोन्ट नो, आई मैले शशीलाई पनि बोलाएको छु, बट लेट्स सी. हिजो त शशी बिमारी छु भन्दै तर आवाज त राम्रै थियो. आई डोन्ट नो, बट आई विल कल राइट नाउ, उसको मैले कल गरेर चेक गर्छु. एन्ड सी यु गाइज लेटर, बाई. सो यहाँनिर चाहिँ अहिले आमा जानुहुँदैछ नक्सलबाडी एउटा सानो बडे कामले गर्दाखेरि चाहिँ तुरन्तै. एन्ड प्रियङ्का इज अल्सो कमिङ. आमालाई चाहिँ प्रियङ्कालाई मार्केट नै भेट्छ नि आमा. ओके डार्लिङ, यो गेट चाहिँ कहिले बन्द नै हुँदैन यार मेरोबाट. आई डोन्ट नो वाट ह्यापन. अड्केन नि त अबै ड्रामा, त्यसरी गर्दा अड्केन, आमाले गर्दा अलिकति अड्केको जस्तो भएर निस्किँदैछ, कोही बात छैन. एनिवेज यहाँ छ आमाको दुपट्टा, लानु आमा टिकट. लु सुसु पुसु गरिहाल्नु, यहाँ छ तपाईँको चुन्नी, अनि छिटो आउनु. अन्त इस ब्याग पे तो मेरी नजर इतना था, लेकिन क्या करो, मिस मुन्ना तमांग जीत गई. ये ब्याग को मेरे को कैरी करने नहीं दिया मेरी माँ ने. ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल बैग, इट्स सो ब्यूटीफुल टोट बैग. बट ब्लैक में छ, नो बट सो ब्यूटीफुल टोट बैग गाइज, इज सो क्यूट. हजुर लिन्थे नि, नो एक्चुअली राम्रो रहेछ हौ यो ब्याग, हेर्नु न. लेकिन लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा पसंद है. हाँ अब तब को तो अब उ तब को उमेर के हिसाब से यो साइज ठीक है तो इतना क्यों खोज दो पैसा कार्ड एवरीथिंग. ओके बाय, सी यू मम्मी, बाय, सी यू मम्मा. आमा का जुत्ता हेरा फिर फोन यहाँ पे तो अच्छा. हाँ 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 फोन लानु भरे मार्केट पुगेर भरे यता र उता भयो भने. ओके बाई.